So, good morning everyone. Today we are going to see how to fill up IFoA non-members exam registration form. So, सबसे पहले हम लोग को Google में जाना पड़ेगा and we need to type IFoA UK non-member exam form. तो ये जो सेकेंड टैब है ये ओपन हम लोग को करना पड़ेगा. ये वाला जो विंडो है ये तभी ओपन होता है व्हेन द एग्जाम रजिस्ट्रेशन ओपन्स, दैट दिस टाइम हैज़ ओपन फ्रॉम 8th of July. तो ये ला खुलेगा. सबसे पहले हम लोग को ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, तो हम लोग को ये फॉर्म भर लेना है एंड इस फॉर्म को भरने के 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास हमारे ऑफिशियल मेल आईडी में, जो मेल आईडी हम लोग यहाँ पर देते हैं, वहाँ पर एक ARN आता है. नाउ व्हाट इज़ ARN? ARN स्टैंड्स फॉर एक्चुअल रेफरेंस नंबर. जैसे कि आपका मेंबरशिप नंबर आप समझ सकते हो, आपका स्टूडेंट मेंबरशिप नंबर. आपको बस खाली उस ARN के बेसिस में IFoA के वेबसाइट पे लॉगिन करना है एंड लॉगिन करके आपका एग्ज़ाम आपको बुक करना है. तो देखिए इस तरीके से इस फॉर्म को भरना है. टाइटल, जैसे मेरा नाम है मिस्टर, फर्स्ट नेम इज़ प्रवीण, फैमिली नेम सर नेम इज़ पटवारी, माय डेट ऑफ बर्थ आप लोग भर दीजिएगा, अगेन जेंडर मेल, एड्रेस इज़ 41D NSC बोस रोड, टाउन इज़ कोलकाता, स्टेट इज़ वेस्ट बंगाल. और भी आप लोग दे सकते हैं, जैसे कि नियर अशोक नगर पार्क एंड ऑल. व्हाट इज द पोस्ट कोड? 700040. कंट्री, कंट्री इज इंडिया. सो INDIA कंट्री इज़ इंडिया. टेलीफोन नंबर में मैं डालूँगा प्लस, जैसे टेलीफोन नंबर में इट्स बेटर दैट मैं टेलीफोन नंबर अगर आपका है तो आप दे सकते हो एंड टेलीफोन नंबर में आपको डायलिंग कोड, जैसे कैलकटा का है 033 और कहीं का जो भी है, देन फॉर एग्जांपल 2411-0036, लाइक दिस यू नीड टू पुट इन. एंड अगर आप मोबाइल नंबर दे रहे हो तो 91 इज़ द कंट्री कोड, 8100598543. टेलीफोन नंबर इज़ नॉट मैंडेटरी बट मोबाइल नंबर देना इज़ मैंडेटरी. प्लीज़ ईमेल एड्रेस बहुत क्लियरली प्रिंट कीजिएगा, जैसे माइन इज patwari371@gmail.com. नाउ दिस रिड्यूस्ड रेट. नाउ जनरली जो लोग देते हैं ये एग्ज़ाम वो लोग का पर्सनल इनकम इज़ ज़ीरो. यहाँ पर आपके फैमिली इनकम का बात नहीं हो रहा है. इफ़ योर पर्सनल इनकम, प्लीज़ नोट, If your personal income is below 7140 pounds. Now what does this statement mean? अगर आप class 12 pass out है, अगर आप first year में, second year में, अगर आपका income roughly 7 lakh से नीचे है, तब आपको यहाँ पर yes, I earn less than this. जैसे मैं एक student हूँ, I am just a college graduate. So मेरा income उतना नहीं है. So I will take in, I earn less than, यहाँ पर आपके parents से मेरे पापा बहुत कमाते हैं, I know. बट यहाँ पर आपका इनकम का बात हो रहा है, आपके पेरेंट्स का इनकम का बात नहीं हो रहा है. तो आई अर्न लेस देन 7140 पर ईयर, अगर आप इसमें टिक करते हो, देन ओनली यू आर एलिजिबल एट द रिड्यूस्ड रेट ऑफ द नॉन मेंबर विच इज़ 180 pounds. अगर आपने यहाँ पर टिक करना भूल गया तो आपको इंस्टीट्यूट फुल रेट में चार्ज करेगा विच इज़ ऑलमोस्ट डबल. ओके, सो जो 180 pounds है दैट इज़ द रिड्यूस्ड रेट. अगर आप यहाँ पर टिक कर देते हो देन यू विल बी चार्ज एट द रिड्यूस्ड रेट. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर फॉर्म, प्लीज डोंट मिस दिस पार्ट. आई अर्न लेस देन एंड वुड लाइक टू क्लेम द रिड्यूस्ड रेट, आई हैव रेड. ओके, एंड फिर आपको यहाँ पर सबमिट में क्लिक करना है. तो वो लोग आपको मेल भेजेंगे, मैंने वहाँ पर आएगा, जैसे मैं करके दिखाता हूँ. जैसे मैंने फिलअप नहीं किया था, अगर आप फिलअप करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा एंड नाउ इन योर मेल आईडी लाइक patwari371 जो मैंने फिल किया था, आपका कुछ भी हो सकता है, उसमें आपको एक ARN आएगा एंड फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए वो लोग आपको बोलेंगे. सो नाउ अगर आपका ARN आ चुका है देन हाउ टू डू इट, जस्ट गो IFoA
लॉगिन, आपका फर्स्ट टाइम लॉगिन आ जाएगा जब आपने अपना पासवर्ड बना लिए होंगे। पासवर्ड बनाने के बाद का मैं आपको बता रहा हूँ आप किस तरीके से करोगे। वो मेल में फर्स्ट टाइम लॉगिन का लिंक भी आ जाता है, बस कहले इसको क्लिक करोगे लिंक में तो आपको पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। वंस यू सेट द पासवर्ड तो आप नॉर्मली लॉगिन कर सकते हो। सो देखो यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ गया, जैसे कि मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। जैसे कि आई हैव एन एक्चुअल रेफरेंस नंबर विच इज लेट्स सपोज 9351446 एंड पासवर्ड मैं कुछ भी डाल दूंगा तो मैं यहाँ से फिर लॉग इन कर सकता हूँ। एंड वंस आई लॉग इन मेरे को बस खाली जाके अपना एग्जाम का बुकिंग करना है। सो दिस इज़ व्हाट यू ऑल नीड टू डू एज अ नॉन मेंबर। ओके थैंक यू।